हेलो, वेलकम अगेन। एक और नई पावर बीआई की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं हमने दो चार्ट क्रिएट किए थे। एक लाइन चार्ट क्रिएट किया था एंड हमने एक यहाँ पे स्टैक बार चार्ट क्रिएट किया था। ओके, तो दो चार्ट आपके सामने हमने सेम पेज पे रखे थे एंड यहाँ पे भी मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया। ए बी सी स्लाइड का मैंने नाम दे दिया है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंक्लूड एंड एक्सक्लूड की। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको चार रीजन दिख रहे होंगे। अब इसकी जगह अगर मैं इंडिया के स्टेट के नाम ले लेता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टेट आ जाते हैं, वेस्ट में उन सब के नाम हो, ईस्ट में स्टेट के नाम हो, साउथ में स्टेट के नाम हो, सेंट्रल में स्टेट के नाम हो। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, ये सब यहाँ पे स्टेट के नाम आ जाते हैं। अब मुझे सब स्टेट के डेटा का काम नहीं है, मुझे कुछ एक या दो स्टेट के डेटा का काम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेस्ट एंड ईस्ट दो स्टेट है मेरे पास, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। सिंपल मैंने लेफ्ट क्लिक किया है अपना एंड कंट्रोल प्रेस करके एक और के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं बाकी सब ब्लर हो चुका है, ये दो थोड़ा विजुअल ज्यादा हो रहे हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैं इंक्लूड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे ओनली मेरे पास वेस्ट एंड ईस्ट का ही डेटा दिखाई देगा, बाकी सब चीज का डेटा यहाँ पे गायब हो चुका है। ओके, तो इंक्लूड का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपको जिस जिस स्टेट का या तो जिस जिस रीजन का या जिस कैटेगरी का आपको डेटा चाहिए होता है, इंक्लूड में बस वही कैटेगरी का डेटा आपको दिखाता है। सिंपल मैं कंट्रोल रेड करता हूँ, अंडू कर देता हूँ। ओके, एंड एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है, सेम एज अपोजिट। ओके, तो इंक्लूड में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक लिस्ट का डेटा दिखाता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। एक्सक्लूड में क्या होता है, हम जिस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं उसका डेटा नहीं दिखाता, उसके अलावा बाकी सब डेटा दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे ईस्ट का डेटा नहीं चाहिए, तो सिंपल मैं ईस्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सक्लूड कर दूंगा, तो ईस्ट का डेटा वहां पे गायब हो जाएगा, बाकी सब डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल का डेटा आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा काम करता है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड कमांड। अगेन मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हम वापस से आ जाते हैं हमारे बार चार्ट पे। अब तो ये हो चुका है हमारा बार चार्ट। सिंपल मैं एक और बार यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाता है शो एज अ टेबल। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हमारा जितना भी ये डेटा है, जैसे वेस्ट में हमारा जितना भी सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ क्वांटिटी है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारा हो जाता है वेस्ट का सम ऑफ प्रॉफिट, वेस्ट का सम ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो ये हमको टेबल वाइज देखने के लिए मिल जाता है सिंपल एक क्लिक से। ओके, एंड यहाँ पे इस चार्ट को हम क्लोज कर देते हैं। ओके, यस। तो सिंपल हमने क्या किया है, सो इस टेबल पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमको टेबल वाइज डेटा देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो ये हो जाता है। सिंपली मैं बैक टू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे बैक टू रिपोर्ट पे हमने क्लिक कर दिया, वापस सेम पेज हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं डेटा पॉइंट वाइज टेबल हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इस ईस्ट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हमको शो होता है शो डेटा पॉइंट एस टेबल। ओके, तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुझे ईस्ट वाइज आप देख सकते हैं रीजन ईस्ट का जितना भी डेटा होगा सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ओके, जितना भी डेटा होगा सब कुछ यहाँ पे मुझे एक छोटे से छोटा डेटा भी दिखाई देगा। प्रॉफिट लॉस पर डे का कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट वाइज भी डेटा देख सकते हैं टेबल। ओके, उसके बाद एक और हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एनालाइज का। तो एनालाइज का ऑप्शन क्या काम आता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो वेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, तो कुछ भी हमारे डिफरेंट होता है तो ये हमारा पावर बीआई का जो एआई टूल है उसे ध्यान से पढ़ता है एंड उसका एनालाइज निकालता है कि यहाँ पे आपका ये चीज इतना कम हुआ है, यहाँ पे इतना ज्यादा हुआ है। ओके, इतना आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे कंपेरिजन भी देख सकते हैं कि आप वेस्ट ईस्ट सेंट्रल से कंपेयर करते हैं तो आपका यहाँ पे जो सम ऑफ प्रॉफिट है फॉर फर्नीचर वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज कंपैरिजन में एनालाइज करके बता देता है हमारा पावर बीआई का जो इंटेलिजेंट टूल है। ठीक है, तो ये हो गया डन।
काम होने के बाद सिंपल आप बाद में साइड में क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। ओके, जिसका भी आप निकालना चाहते हैं सिंपल आप निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पे समरी। समरी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाहर कहीं साइड में हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम राइट क्लिक करके यहाँ पे समरी कर सकते हैं। तो समरी में क्या होगा, बेसिकली पूछ लेता है आपको कॉपी लॉट की समरी चाहिए या कस्टम वाली चाहिए, तो कस्टम कर देते हैं। इसमें क्या है, एआई टूल, आपको अगर पता होगा तो माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई टूल है, सेम एज चैट जीपीटी जैसा, वो थोड़ा एडवांस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाई करके हमको इन डिटेल समरी बताता है। एंड कस्टम में क्या होता है, आपका जो ओवरऑल समरी हमारा चार्ट वाइज वो यहाँ पे आपको बता देगा। ओके, तो एट दिस पॉइंट वेड हैड द हाईएस्ट सम ऑफ द प्रॉफिट एंड इट वॉज 173% हायर देन द सेंट्रल। ओके, एंड द लो सम ऑफ प्रॉफिट इज 39,000 समथिंग, एंड ये कंप्लीट समरी यहाँ पे हमको मिल जाती है देखने के लिए। ओके, तो सिंपली हमको यहाँ पे समरी मिल गई, सब कुछ हो गया, एंड इसे हम कर देते हैं बंद। चलिए, तो यहाँ पे आज की हमारी अभी तक की वीडियो में हमने इंक्लूड सीख लिया है, एक्सक्लूड सीख लिया है, इंक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड क्या होता है, सो एज टेबल हम कैसे कर सकते हैं, पॉइंट वाइज हम टेबल कैसे देख सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं, एंड हमारा जो भी टेबल है या जो भी हमारा चार्ट है उसकी समरी हम कैसे निकाल सकते हैं, इतनी सब हमने चीजें सीख ली हमारे बार चार्ट में। सेम यही सब चीज हर चार्ट में होती है, जैसे कि हमारा ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में भी मुझे यही सब चीज करनी है तो सिंपली मैं कर सकता हूँ सो एज अ टेबल, तो कंप्लीट टेबल वाइज बता देगा। ओके, तो जैसा भी हम किसी भी चार्ट में हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसे सिर्फ मुझे इंक्लूड करना है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ वही पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो लाइन में क्या होता है, एक एक पॉइंट होता है, तो आपको वहां पे सिर्फ डॉट देखने के लिए मिलेगी जब मैं उसे सिलेक्ट करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इंक्लूड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट करके सिर्फ एक ही डॉट मुझे मिलती है। ओके, तो लाइन चार्ट में बस इतनी सी हमको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बाकी सब चीजें इंक्लूड एक्सक्लूड समरी सब कुछ यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे कस्टम हम कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी कस्टमाइज समरी हमको देखने के लिए मिल जाती है। ओके, तो सब कुछ सेम चीज मिल जाता है, चाहे कोई भी चार्ट हो, बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, सब चीज में यही मिल जाता है। ओके, तो अब एक और हम नए चार्ट सीख लेते हैं, अभी हमारी वीडियो लगभग 6-7 मिनट की हुई है, तो एक और हम चार्ट के बारे में सीख लेते हैं। इस वीडियो को हम 15 से 20 मिनट के आसपास फिनिश करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो एक और चार्ट के बारे में हम सीखते हैं, तो बेसिकली इस चार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। एक और चीज जी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है, कॉपी विजुअल, मतलब हमारा ये चार्ट कॉपी हो चुका है। आप सिंपल कंट्रोल सी की मदद से भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। लाइन चार्ट में भी आपको यही चीज देखने के लिए मिल जाती है, कॉपी कॉपी विजुअल। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे चार्ट को। ओके, एंड यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेज वन में इसका हम रीनेम कर देते हैं, जैसे सबका नाम है ABC, एंड देन हमारा नेक्स्ट सीरीज आ जाता है D। तो अब हम सीखते हैं हमारे पाई चार्ट के बारे में। तो सिंपली इसी चार्ट को अगर मुझे पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ट को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद पाई चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है डन कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइन आ रही होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। ये लाइन इजी टू अंडरस्टैंड हमारे चार्ट को नहीं बनने दे रही है। इसका रीजन क्या है कि हमारे वैल्यू में दो चीज आ जाती है। ओके, लीजेंड में हमारे रीजन आ जाता है एंड वैल्यू में हमारे प्रॉफिट एंड क्वांटिटी आ जाती है, पर डिटेल का क्या, हम पाई चार्ट की डिटेल में क्या रखेंगे, किस चीज का हमको इन डिटेल पाई चार्ट चाहिए, मतलब कौन सी कैटेगरी वाइज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम प्रॉफिट को भी रख सकते हैं, क्वांटिटी को भी रख सकते हैं। हम क्वांटिटी फर्स्ट प्रिफर करेंगे क्योंकि क्वांटिटी को हम अगर रखते हैं तो क्वांटिटी वाइज डिवाइड होता है, प्रॉफिट को हम रखते हैं तो प्रॉफिट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज का मेरा प्रॉफिट 10 रुपए है, कल का 20 रुपए है, परसों का 50 रुपए है, किसी दिन माइनस में भी चला जाएगा, तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको रख के बता देता हूँ ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर प्रॉफिट रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एकदम छोटी छोटी लाइनें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, ये सब लाइन देखने के लिए मिल जाते हैं, इतना प्रॉफिट, इतना ये सब हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जब मैं क्वांटिटी नीचे रखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये सब बॉक्स देखने मिल जाते हैं, व्हाइट लाइन, ये रीजनल वाइज डिवाइड किया हुआ है। अब मुझे इसमें रीजन की जरूरत नहीं है तो मैं लीजेंड को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड एंड छोटा एंड सुंदर मेरा चार्ट बन जाए। तो यहाँ पे लीजेंड को जैसे ही मैंने रिमूव किया है तो आप देख सकते हैं मुझे
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल वाला जो रीजन था वो रिमूव कर दिया है हमने। अब इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट बन गया है, सिंपल सोबर पाई चार्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सेम वही चीजें हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है। ओके, हर चीज के लिए एक अलग डिफरेंट कलर हमको देखने के लिए मिल जाता है। एंड सेम वैसे ही जैसे हर चार्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जिस तरह से इसे कस्टमाइज करना हो उस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। स्लाइस के आप देख सकते हैं, कलर आपको कुछ और रखने हो तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे कि मुझे फुल ब्लैक रखना हो, किसी का कलर फुल ब्लैक रख सकता हूँ। मोर कलर में जाके मुझे रेड रखना हो, मुझे थोड़ा लाइट या डार्क ब्लू रखना हो, हल्का सा पिंकिश शेड में रखना हो। ओके, तो यहाँ पे जो भी शेड मुझे रखना हो वो मैं रख सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी आपको शेड रखना हो, कुछ भी करना हो, आप सिंपली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डेटा लेबल। डेटा लेबल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं साइड में सब परसेंटेज वाले डेटा निकल गए। तो हमको डेटा रखना ही है। ओके, आउटसाइड रखना है, इनसाइड रखना है, आप वो भी कर सकते हैं। अब इनसाइड आपके डेटा आ चुके हैं, हम आउटसाइड प्रिफर करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे डेटा वैल्यू रखनी है, कैटेगरी रखनी है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ओनली कैटेगरी आई। वैल्यू आप देख सकते हैं कि 57,000 आ गया है, 44,000 आ गया है, ओनली वैल्यू आई है। एंड मुझे इसका परसेंटेज रखना है कि ए पार्ट कौन से कितना परसेंट है, बी पार्ट कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज आ गया। अगर मुझे परसेंटेज एंड वैल्यू दोनों चीज रखनी है तो यहाँ पे परसेंटेज एंड वैल्यू दोनों चीज आ जाती है। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में परसेंटेज एंड वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू एंड नाम, मुझे सब कुछ ऑल डेटा रखना है तो मैं यहाँ पे ऑल डेटा भी रख सकता हूँ। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नाम सब कुछ आ गया एंड इसकी वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कैटेगरी परसेंटेज रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं प्रिफर करता हूँ डेटा एंड परसेंटेज। ओके, तो दोनों चीज हमको क्लियर देखने के लिए मिल जाती है कि इसका कितना डेटा है, कितना परसेंटेज है, सब कुछ हमको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आप इसके फंड एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा आप इसे फंड करना चाहते हैं तो इसका आप कम ज्यादा फंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक छोटे छोटे यहाँ पे कुछ आपको देख सकते हैं कि एक लाइन है, कैटेगरी डिवाइड किया है जहाँ पे हमको डेटा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ये बेसिकली फंड बड़े पड़ जाते हैं उस वजह से यहाँ पे हम उसका डेटा नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पे हम फॉन्ट छोटे करके उसका डेटा देख सकते हैं। ओके, एंड इसका आपको कलर चेंज करना हो तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पिंक कलर के हमने फॉन्ट कर दिए हैं। आपको कोई और कलर के फॉन्ट करने हैं कोई और कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कलर को, जैसे मैं रेड कलर करना चाहता हूँ, ब्लैक कलर करना चाहता हूँ, फुल ब्लैक, हल्का सा ग्रेस कलर करना चाहता हूँ। ओके, जो भी कलर मैं करना चाहता हूँ वहां से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। डिस्प्ले यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है, 1000 में आपको चाहिए, मिलियंस में चाहिए, बिलियंस में चाहिए या ऑटो में चाहिए। ओके, 1000 अभी बाय डिफॉल्ट ऑटो में 1000 सिलेक्ट है, मिलियंस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी मिलियंस में आ जाती है। ओके, तो अभी मैं कर देता हूँ ऑटो, तो ऑटो के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। डेसिमल प्लेस भी ऑटो पे है, परसेंटेज भी ऑटो पे है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ एंड सिखा चुका हूँ कैसे ये वर्क करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रोटेशन। तो अगर आपको इसे रोटेट करना हो तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं अपने चार्ट को। आप देख सकते हैं मैं जितना भी एंगल पर रोटेट करना चाहता हूँ मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो सब कुछ हमको यहाँ पे बेसिक मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विजुअलाइजेशन के बाद। उसके बाद मुझे लीजेंड बंद करना हो साइड में, आप देख सकते हैं लीजेंड बंद करना हो बंद कर सकता हूँ। उसे कस्टमाइज करना हो, सेंट्रल करना हो, टेक्स्ट का कुछ एडिट करना हो या इसका हेडिंग ऊपर से गायब करना हो, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, उसको कस्टमाइज भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जनरल में। तो जनरल में बेसिकली हम अपने चार्ट की जनरल सेटिंग कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी साइज क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है, उसकी पोजीशन क्या रखनी है। ओके, पेडलिंग कैसी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइटल, जैसे कि मैंने ऑफ करके रखा है, इसे हम ऑन करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने इसे एडजस्ट किया है। ओके, उसके बाद इसमें कुछ इफेक्ट हम डालना चाहते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहते हैं, फुल ब्लैक हम करना चाहते हैं तो इसका ट्रांसपेरेंसी 0 कर दीजिए, एकदम फुल ब्लैक आपको बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से कोई भी आप कलरफुल यहाँ पे बैकग्राउंड करना चाहते हैं, हल्का सा ग्रीन टाइप कलर करना चाहते हैं, ग्रीनिश कलर, एंड इसमें भी हम ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, तो हल्का सा ग्रीनिश कलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जिस तरह से आप इसे करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर आप
देख सकते हैं कि आपको ये बॉर्डर्स की कैसी रखनी है, कब बॉर्डर रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड कॉर्नर हमने रखे हुए हैं, राउंड कॉर्नर नहीं रखने हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर हमारे शार्प हो गए हैं। ओके, तो ये सब कुछ मैं आपको अपनी पिछली जो क्लासेस है उसमें सिखा चुका हूँ, सेम उसी तरह से यहाँ पे इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हर चार्ट के लिए फॉर्मेटिंग सेम होती है, चाहे वो पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, एनीथिंग, कोई भी चार्ट हो, वहां पे उसकी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है, पाई चार्ट बन के रेडी हो चुका है। अगेन इसको हम कॉपी करते हैं। एक और चीज मैं हैंड टू हैंड आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका हम नाम रख देंगे ABCDE। ओके, यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मुझे एक ही टॉपिक कवर करना था, डोनट चार्ट। तो पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो नॉर्मली आप पाई चार्ट देख सकते हैं, हमने सेम डी को ई में पेस्ट किया है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं डोनट चार्ट कर देता हूँ। ओके, तो बस बीच में आपको एक खाली स्पेस देखने के लिए मिल जाती है, बाकी सब कुछ पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट में सेम होता है। तो इसके लिए मैं अलग से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अलग से एक वीडियो क्लास बना के, तो इसी क्लास में छोटा सा मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो इसी तरह से हमारा पाई चार्ट मैंने आज की क्लास में आपको समझाया है, डोनट चार्ट क्या होता है वो समझाया है। डिफरेंट नहीं होता है, सिमिलर होते हैं, बस एक में यहाँ पे आपको होल मिल जाता है डोनट चार्ट में, लुक लाइक अ डोनट, एंड पाई चार्ट में आपको कंप्लीट एक राउंड मिल जाता है। ओके, बस इतना ही है। एंड नॉर्मल मैंने आपको इंक्लूड, एक्सक्लूड, शो एस टेबल, डेटा पॉइंट, एनालाइज, समराइज, ये सब कुछ हमने आज की क्लास में सीखा है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत बड़ी हो चुकी है, लगभग 15 मिनट के आसपास हो चुकी है आज की क्लास। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम और भी अलग अलग फीचर एंड इसके टूल सीखने वाले हैं पावर बीआई के। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।